पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर यूपी विधानसभा में कई बार स्पीकर रहे और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन। पिछले काफी दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। सुबह 5 बजे प्रयागराज स्थित आवास पर हुआ निधन। शाम 4 बजे प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर होगा अंतिम संस्कार। केसरीनाथ त्रिपाठी को आज ही लखनऊ के SGPGI में भर्ती कराया जाना था। 88 साल के केसरीनाथ त्रिपाठी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और संविधान विशेषज्ञ थे। 2004 से जौनपुर सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहते हुए उनके पास बिहार और त्रिपुरा के अतिरिक्त प्रभार भी था। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज उनके आवास पर पहुंचकर सीएम ने दी श्रद्धांजलि। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री नंदगोपाल मौजूद। दोनों मंत्रियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की, बेटे नीरज त्रिपाठी से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे, एक विचारवान वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। जिस भी दायित्व को पार्टी ने उन्हें सौंपा, उसका सफलतापूर्वक निर्वहन उन्होंने किया। एक विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, समाज के प्रत्येक तबके को साथ लेकर चलने की सामर्थ्य, एक उत्कृष्ट अधिवक्ता, संविधानविद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या विधानसभा के अध्यक्ष और एक राज्यपाल के रूप में सभी दायित्वों का उन्होंने कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। आज प्रातः 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने भौतिक देह को छोड़ करके परमधाम की यात्रा पर प्रस्थान किए हैं। इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सहजता, सरलता, विद्वता और समन्वय का जो एक उत्कृष्ट उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, उस एक युग का अंत हुआ है। मैं इस अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर।